हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ द यार। आज मुझे आपको दिखाने वाला हूँ ना, मतलब इट्स गोना बी लाइक वाह। जस्ट हैव अ लुक, वी आर इन शनाग, जो कि मनाली से थोड़ा सा आगे है, गांव है मनाली के पास, शनाग नाम है। हैव अ लुक, ये वही कैफे है जहाँ पे हम रात को बैठे हुए थे। इसकी हालत देख लो, ये रास्ता था, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। हैव अ लुक, जो कि पूरी ढक गई है बर्फ में, और ये स्नोफॉल अभी 2-3 दिन और नहीं रुकने वाली है, तो मतलब काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। बट हमें निकलना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम यहाँ पर रुक गए तो हमारी गाड़ी फंस जाएगी। गाड़ी तो ऑलरेडी फंस चुकी है, अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ से निकलना है, अभी चेकआउट लेना है और बस निकलना है यहाँ से, क्योंकि हमारी गाड़ी 4x4 नहीं है और एक गाड़ी पीछे है फॉर्चुनर जो कि 4x4 है, तो वो भाई शायद हमें निकाल पाए, तो हम उनके साथ ही निकल रहे हैं यहाँ से। उन्हीं के साथ आए थे, उन्होंने रिकमेंड किया था हमें यहाँ पर, और उन्हीं के साथ हम निकल भी जाएंगे। तो बस अभी देखते हैं किस तरह निकलेंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि फंस जाएंगे, और स्नोफॉल इतनी अच्छी हो रही है ना यहाँ पर, बस पूछो। हालत फुल बर्फ में, बाकी अभी सामान पैक है, सारा नीचे उतर रहा है, जा रहा है राइट नीचे पहुँच गया। थैंक यू। हेलो शैडो, शैडो इनकी मौज होती है भाई बर्फ में, फुल इन्हें ठंड तो लगती नहीं है, मस्त घूम रहा है अपने आराम से। चलो कम ऑन, हमें तो लगती है हम तो जा रहे हैं। तो बहुत ठंडा भाई, बहुत ठंडा। ये देख लो भाई, बाइक वाला कौन नहीं आया था, और कैसे आया था, और क्यों आया था, मेरे तो सोचती आ रही। मैंने तो अपनी बाइक खड़ी कर दी, इट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज यहाँ से नहीं जाती थी वापस। बाकी हैव अ फकिंग लुक, छत के ऊपर बर्फ थी बहुत सारी, अभी भी शायद अभी देख रहे हैं। और एक बार वो उठ गया।
लगता है, व्यू कुछ ऐसा है। और अभी कुछ खाने वाने रुकेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह उठते ही निकल गए थे, पैक हो गया था मामला। हाँ एक बार फिर से बेड तैयार कर लिया हम लोगों ने। अभी हम यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, रुके थे, फिर हमने सोचा कि तैयार कर ही लिया जाए। अब हम ये देखो व्यू देखो, इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना यहाँ से। बस पूछो, मेरे थोड़े से बाल ख़राब हो रहे हैं बाकी। अभी हम रास्ते में वापस जा रहे थे, अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कुछ खाने के लिए रुके थे, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, बस खा पी के फटाफट निकलना है, क्योंकि गुड़गांव में भी एक काम है जिसकी वजह से हमें जल्दी जाना पड़ रहा है, तो वो भी काम पूरा करना है। मनाली से अपने घर की तरफ, हम पहाड़ों को छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, बट जाना पड़ेगा। हनी अपना पीछे लेट गया है, बिस्तर बिस्तर लगा के हम ड्राइव कर रहा हूँ, और रास्ते के मजे ज़्यादा लुक। ड्राइव करने में इतना मज़ा आता है ना, मतलब बेस्ट। अगर किसी को ड्राइविंग अपनी स्किल्स को जितना ज़्यादा एनहेंस करना है ना, वो आके पहाड़ों पे करना चाहिए। पहाड़ों पे ही रियल एक्सपीरियंस है, नीचे तो फिर भी कम ही मिलता है। हाँ तो भाई, रेस्टोरेंट देखते देखते पता ही नहीं चला भाई टाइम का, कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टाइम का पता नहीं चला, 7:15 हो गए हैं। अब जाके हम यहाँ खाने रुके हैं अन्नपूर्णा भोजनालय करके है कुछ, बाकी अंदर चलते हैं खाना खाते हैं। खाना आ गया, खाना खाते हैं, खाना खा लिया है, निकलते हैं अभी यहाँ से। सा निकलेंगे अब, बस कहीं नहीं रुकना। चलो भाई, सुखदेव तो पहुंच गए, अब यहाँ से बाइक कैसे जाएगी वो मेरे समझ ही नहीं आ रही बात। ये देखो एक बार हालत देखो, पूरे में फॉग ही फॉग है, पूरे में फॉग। मैं डस्टबिन आ मेरा, सुखदेव से चाय ले ली है, और भाई बाइक कैसे जाएगी, सेठ जी बाइक कैसे जाएगी, चाय पीते थोड़ी देर, रुकते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, फिर जाते हैं। ले भाई तेरे फैंस भी आ गए, वो दो भाई थे आगे मिलने आए थे, लगने लगी थोड़ी सी भूख, तो हमने इडली सांभर ले आए हैं यहाँ पे, चटनियाँ देखो शीशे भी लग गई। बाकी अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे,
क्योंकि फॉग बहुत है, ठंड लगेगी भयंकर मेरे को, तो मेरे लिए रुकेंगे क्यों भाई? मैं वही सोच रहा हूँ, मेरे को लगेगी ठंड बहुत ज़बरदस्त, थोड़ी देर बज रहे हैं 7:30 और हम कुछ देर पे रुके हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए कुछ देर पे थोड़ी देर के लिए रुके थे। अभी जाते चाय पी है, इडली सांभर खाया है, वो सब दिखा दिया था, और अब हम थोड़ी देर में बस निकलने वाले हैं। अभी मैं अपने बाइक के गियर्स वगैरह पहन लूँगा, GoPro माउंट शायद नहीं लग पाएगा, बाकी मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स डाल दूँगा क्योंकि मैं जब राइड करूँगा तब की। अभी गेम ऑफ थ्रोन्स एंजॉय करते हैं आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में आते हैं। थोड़ी देर में चलो भाई, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, निकलते हैं। गाड़ी की हालत देख लो भाई, क्या बुरा हाल मचा रखा है। लाइनर वगैरह लगाते हैं, पहनते हैं जैकेट, निकलते हैं। अभी कुछ ऐसा देख रहा हूँ, अभी चेंज हो जाता है। चलो भाई तैयार है, हेलमेट एंड ग्लव्स यहाँ पे। बाइक मेरी वार्म अप हो रही है, बट यार ये नंबर प्लेट की दिक्कत लग रही है मुझे, पता नहीं पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी, बाकी देखते हैं। अभी निकलते हैं, टाइम हो रहा है 8:15 बजे, निकल रहे हैं यहाँ से। बाइक पे निकलेंगे, थोड़े बहुत शॉर्ट्स होंगे तो दिखा दूंगा, नहीं तो फिर क्या करते हैं।